दिस इज लर्निंग लोकस, प्रस्तुत है सिनोनिम्स। नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो स्लाइड दिख रही है आपको, इसमें लेफ्ट साइड में जो पोर्शन दिया हुआ है वह सिनोनिम पूछा गया है एग्जाम में, और जो राइट साइड में दिया गया है वे इसके आंसर है। फोर ऑप्शंस में से वन ऑप्शन है जो आंसर है। सो इस सारे के सारे लेफ्ट साइड वाले पूछे ही गए हैं, एग्जाम में आए हुए ही हैं। सो हम इसी का लर्न कर रहे हैं अब रोज 2020 करके, मतलब 10 लर्न करते हैं उसके आंसर को लेते हुए 20 वर्ड्स हो जाता है। सो अभी जो सबसे पहले हम लर्न कर रहे हैं यह है डिप्लो, फिर मैन और फिर टी और फिर कॉलेज। डिप्लोमैटिकली, डिप्लोमैटिकली मतलब चतुराई से, चतुराई से। इसका है आंसर टैक्टफुली, टैक्टफुली मतलब चतुराई से। टैक्ट मतलब चतुर होना होता है, सो वहां पे फुली डाल दिया है। डिप्लोमैटिक मतलब चतुर होना होता है, वहां फुली डाल दिया है। सो नाउ डिप्लोमैटिकली और टैक्टफुली हो गया है, रिवाइज करते रहेंगे याद हो जाएगा। देन इन फैचुएशन, इन एफ फैचू टी यू और फिर ए टी आई वन एशन, इनफैचुएशन मतलब दीवानगी। सो इसका आंसर है पैशन, पैशन, पैशन मीन्स प्रेम। यहाँ पे पैशन का मतलब जोश भी होता है, आप जानते हैं, बार बार पढ़ चुके हैं। सो इनफैचुएशन और पैशन ऊपर हो गया है डिप्लोमैटिकली और टैक्टफुली, ध्यान से पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएंगे। देन विन, विन डिक्टिव, विन डिक्टिव प्रतिशोधी, विन डिक्टिव प्रतिशोधी मतलब बदला लेने वाला, प्रतिशोध मीन्स बदला लेना। सो विन डिक्टिव प्रतिशोधी। सो इसका है रिवेंज, REVENGE, रिवेंज, एंड देन फुल, रिवेंज फुल मीन्स प्रतिशोधी, ये भी हो गया विंडिक्टिव रिवेंज फुल। डिप्लोमैटिकली टैक्टफुली एक्चुएशन पैशन विंडिक्टिव रिवेंज फुल। नाउ री पर कॉशन, चार बार में पढ़ना है री, फिर पर, फिर क सी यू क और फिर शन। रिपरकशन मीन्स प्रतिक्रिया। सो इसका है रिएक्शन, रिएक्शन, सो रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया। सो ये भी हो गया डिप्लोमैटिकली टैक्टफुली फैक्चुएशन पैशन विंडिक्टिव रिवेंजफुल रिपरकशन रिएक्शन। ना रू, रू मतलब पछताना, तो पछताना का रिग्रेट भी होता है, आप जानते हैं। सो रिग्रेट इसका आंसर है। रू ध्यान रखिएगा, रू आर यू वी रू पढ़ते हैं, पछताना, रिग्रेट, पछतावा करना, ये भी हुआ। इसके बाद पी ए आर आई टी वाई, पैरिटी, पैरिटी मतलब समानता, लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा था मैंने, पैरिटी में समानता। सो इसका है अक्वी, अक्वी वायलेंस, अक्वी वायलेंस में समतुल्यता मतलब समानता। सर पैरिटी में समानता, सो अक्वी वायलेंस में समतुल्यता। रिवाइज कर लेते हैं डिप्लोमैटिकली का टैक्टफुली, उसके बाद है फैक्चुएशन, फैक्चुएशन का पैशन, फिर विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का रिवेंजफुल, रिपरकशन का रिएक्शन, रू का रिग्रेट और पैरिटी का अक्विवायलेंस। अब आगे है आपके सामने कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट कैसे पढ़ेंगे, कॉन्फिस्केट। पढ़ने में ना आपको सिलेबल ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, कैसे पढ़ते हैं ये बहुत बड़ी बात होती है। सो कॉन्फिस्केट मतलब जब्त, जब्त करना, इसका आंसर है सीज, सीज मतलब ही पकड़ लेना, जब्त करना। सो कॉन्फिस्केट का हो गया सीज। ये जो वर्ड्स हैं कॉन्फिस्केट बहुत बार पूछा गया है, रिपरकशन, जितने वर्ड्स आप जानते हैं पूछे ही गए हैं, तो किसी को भी आप कम इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ सकते हैं कि चलो ये तो नहीं पूछा जाएगा, सारा पूछा गया है। नेक्स्ट वन इज ओमिनस, ओमिनस अशुभ, ओमिनस मीन्स अशुभ। इसका है थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग मीन्स अशुभ। सो ओमिनस का हो गया थ्रेटनिंग,
डिप्लोमेटिकली कहोगे टैक्टफुली, इनफैक्चुएशन का पैशन, विंडिक्टिव का रिवेंजफुल, रिपरकशन का रिएक्शन, रू का रिग्रेट, पार्टी का अक्विवैलेंस, कॉन्फिस्केट का सीज, ओमिनस का थ्रेटनिंग। इतना हुआ, अभी दो और बचे हैं। देखिए, ये है प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक मतलब व्यवहारिक, प्रैग्मैटिक मीन्स व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। सो इसका आंसर है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मीन्स व्यवहारिक। सो प्रैग्मैटिक का प्रैक्टिकल। नाउ द लास्ट वन इज हॉबलिंग। हॉबलिंग, हॉबलिंग मीन्स लंगड़ाना। इसका आंसर है क्रिपल्ड। क्रिपल्ड मीन्स पंगु। एक ही बार पढ़ दीजिए क्रिपल्ड को, पंगु, पंगु मतलब लंगड़ा। सो पूरा का पूरा हो गया है। एक बार लास्ट रिवाइज करके बंद करेंगे। डिप्लोमेटिकली का टैक्टफुली, उसके बाद है इनफैचुएशन का पैशन, विंडिक्टिव का रिवेंजफुल, रिपरकशन का रिएक्शन, रू का रिग्रेट, पार्टी का अक्विवैलेंस, कॉन्फिस्केट का सीज, ओमिनस का थ्रेटनिंग, प्रैग्मैटिक का प्रैक्टिकल, होबलिंग का क्रिपल्ड। थैंक यू वेरी मच।